के पास धरना चौक पर जमात इस्लामी के साथ हैदराबाद की तमाम मुस्लिम जमातें और हुर्रियत के लिए, आज़ादी के लिए काम करने वाले सिविल लिबर्टीज, ह्यूमन राइट्स और लेफ्टिस्ट पार्टीज, दलित संगम, ऐसे कई लोगों ने मिलकर धरना ऑर्गेनाइज किया है। वो धरना CAB के ख़िलाफ़ है। CAB अब CAA बन गया है। वो अमेंडमेंट बिल था, अब वो एक्ट बन गया है। उस एक्ट के ख़िलाफ़, क्योंकि वो एक्ट क्या है, इम्तियाज़ पर मबनी है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, अक़वामे मुत्तहिदा के चार्टर के ख़िलाफ़ है। इसलिए कि दस्तूर में ये लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान का रहने वाला हर शहरी यहाँ का शहरी है, हर यहाँ का रहने वाला शहरी है। लेकिन अब उन्होंने 3 मुल्कों के नाम लेकर वहाँ से आने वाले सिख, ईसाई, हिंदू, जैन, पारसी, बुद्ध वगैरह को उसका शहरी बनाएंगे, लेकिन मुसलमान का नाम नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों को 2021 तक मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का जो उनका एजेंडा है, मुसलमान के दो हिस्तान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, जो उनके नारे हैं, उस पर अमल करने के लिए ये बनाया बिल। उस बिल की मुखालिफत में जमा हुए हैं। आप भी उस बिल की मुखालिफत में आवाज़ लगाइए, बैठिए, हिस्सा लीजिए, 4 कदम चलिए। 1925 से अब तक RSS के लोग मेहनत करके, कोशिश करके इख्तदार पे जाकर ये कानून लाए हैं, वरना पहले वो क्या करते थे, फसादात करते थे, आग लगाते थे, कत्ल करते थे, उससे काम नहीं चला। अब इख्तदार पे जाकर कानून के ज़रिए से हमको मिटाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए कोई संजीदगी से काम कीजिए और अपनी ताकत को जमा करके रखिए। अस्सलाम वालेकुम।